हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश। ये मेरा पहला वीडियो फॉर हेयर फॉल पे, हेयर लॉसेस पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन से, एक्चुअली कुछ सालों से थोड़ा सा मेरे हेयर में लॉसेस आ रहे थे, मतलब हेयर गिर रहे थे बिकॉज ऑफ स्टडी के कारण। या अन कॉजेज बहुत से कारण पड़ते हैं जिसके कारण कि हेयर लॉस होता है, जैसे कि प्रॉपर डाइट ना होना एंड और बहुत से कारण हैं, जैसे नाइट में ज़्यादा जगना और किसी चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना एंड हेल्थ रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रीवियस बीमारी हो, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी हो जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कुछ लंबा तौर पे चलते रहा तो उसका भी इफेक्ट कुछ होता है, तो इसके कारण में आपके जो है हेयर लॉसेस होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसमें वो मायने रखती है हेयर लॉसेस के लिए। सो मैं ज़्यादा आपका टाइम लेते हुए ना बताऊँगा। इस हेयर लॉस के लिए मैंने बहुत से चीज़ें यूज़ की, बहुत सारे मैंने बहुत से वीडियोस देखे, यूट्यूब पे रिसर्च किया। देन मुझे एक इफेक्टिव लगा, वो है मैनटॉप का, मैन ऑफ। ये मैन ऑफ ये 5% 5% फाइव। यहाँ पे गौर करना है, ये टू दो तरह के आते हैं, एक 5% आता है और एक 2% आता है। तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव 5% को माना गया है, और मोस्ट ऑफ द 5% ज़्यादा इफेक्टिव। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके एक कैसा, मैं इसको ओपन करके एक एक आपको बताऊंगा और देन यूज़ भी बताऊंगा। मैं फर्स्ट इसे ओपन कर रहा हूँ, सो इसे ओपन करेंगे। इसमें आप फर्स्ट से देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इसके अंदर एक्चुअली फॉर यूज़ के लिए इसके प्रिकॉशंस दिए गए हैं एंड कैसे यूज़ करना है। उसकी दो मैनुअल्स हैं, वन मैनुअल फॉर इंग्लिश एंड अदर इज हिंदी है शायद से। हाँ, वन इंग्लिश एंड एक हिंदी में है, ठीक है। तो मैं टॉप के दो सॉल्यूशंस के लिए कि कैसे प्रॉपर यूज़ करना है उसके बारे में दिया गया है। इसके साथ एक कार्ड दिया गया है, ये स्टार्स मिलते हैं मोस्ट प्रॉबली इसको स्क्रैच करके यूज़ कर रहे हैं। स्क्रैच करके एक मैसेज करना होता जिससे आपको स्टार्स मिलते हैं, लेकिन उतना मायने नहीं रखता। तो ये दो चीज़ तीन चीज़ इसके साथ में बोली। देन आपको देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉपर है, इसे हम सॉल्यूशन पाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बॉटल है एंड स्प्रे भी है, तो कुछ नहीं स्प्रे है। सो मैंने स्प्रे इसमें फिट कर दिया है, देख सकते हैं स्प्रे स्प्रे है। स्प्रे है एंड स्प्रे इसमें आता है, तो ये स्प्रे मोस्ट प्रोबेबली आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर में कैसा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आता है, जैसे कि लगाने के बाद में बहुत सारा इधर उधर हट जाता है। सो प्रॉपर के हिसाब से मैं तो स्प्रे ही यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ इसमें बताया भी गया। ये बॉटल है, बॉटल है, आपको इसमें बता दें, इसमें बॉटल से 60 ml की, ठीक है, 60 ml है। सो बहुत कॉस्टली है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो बहुत कॉस्टली है। बिकॉज ऑफ 60 ml के लिए आप इसमें इसका प्राइस कितना दिया है, इसका प्राइस दिया है 638 rupees। आपको तो दिख नहीं रहा हूँ सर, से दिखा दूँ, ये देखिए 638 rupees है और ये सिर्फ 2 years के लिए वैलिड है। वो 2 years तो छोड़ दीजिए, पर आप यहाँ पर रेट देखिए 638 rupees। आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ये डॉक्टर रेड्डी रेड्डी के द्वारा, ठीक। इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हैदराबाद का है, सो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, ठीक। तो आपको यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इसको ओपन कर लेंगे अपन एंड मैं तो हमेशा स्प्रे यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ स्प्रे का दिया गया है कि स्प्रे यानी कि इसका स्प्रे एक बार में 0.2 ml, एक बार में 0.2 ml निकालता है। 0.2 ml आप
इसमें से एक बार में निकल रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 ml आपके कितने बार यूज होगा। तो आपको मैं कहूँगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि पहले आप हेयर को एकदम वॉश कर लें, फिर वॉश करने के बाद इसको लगाएं। लगाने के बाद में अगर आपके ज़्यादा हेयर लॉसेस हो रहे हैं तो इसे ज़्यादा देर तक के रहने दीजिए। मेरे हिसाब से मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे इसे मैं लगाने के बाद रात में सो जाता हूँ। सो रात में मोस्टली कहीं बाहर धूप दस्त में जाना नहीं पड़ता और इफेक्टिव है। तो इससे क्या है कि मेरे जो हेयर लॉसेस है हेयर लॉसेस कम हुए हैं। और इसके साथ में और भी मैं यूज़ करता हूँ जैसे कि डर्मा रोलर वगैरह यूज़ करता हूँ। तो इसे मैं सेकेंड वीडियो में आपको जरूर बताऊँगा कि डर्मा रोलर कैसे यूज़ करना है एंड उसके साथ भी कुछ इफेक्टिव चीज़ यूज़ करना। बट आप ये वाला इफेक्टिव है, मुझे तो इफेक्टिव लगा बिकॉज ऑफ ये बहुत 100% इफेक्टिव। बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर देता है। मेंटॉप 5%, ये 5% इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को 2% भी इफेक्टिव लगता है बट 5% मोस्टली 5% इज अच्छा है। अच्छा है तो आप कह दीजिए। देखिए स्प्रे के ऊपर में कप्स है, कप है उसको निकाल लीजिए। जब आप यूज़ करके हो जाए इसे लगा दीजिए बिकॉज आप कभी इधर तैयार हो तो कुछ प्रॉब्लम हो। सो लगाने के बाद ऐसे स्प्रे कर लीजिए और आपको जहाँ भी स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ी देर ऐसा मसाज कीजिए। पहले तो आपको हेयर हेड वॉश करना है, पूरा वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में उसे अच्छे कपड़े से साफ कर लीजिए, देन इसे यूज़ कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर उसे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए और आपको कुछ अगर हल्का सा इचिंग लगे तो इसे कम यूज़ कीजिए, कम मात्रा में यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। अगर आपको आपके दिल की धड़कन बढ़ बहुत सी प्रॉब्लम है जैसे कि ये एक्चुअली हेयर लॉस के लिए बनाया नहीं गया था बट सॉल्यूशन हेयर लॉस के लिए नहीं बनाया गया था बट ये देखा गया कि फाइनली इस हिस्ट्री में देखा गया कि हेयर लॉस के लिए नहीं बनाया गया बट देखा गया कि इससे हेयर गेन भी हो रहा। तो मोस्टली इसे हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से वेरियंट भी है बट मुझे तो ये डॉक्टर रेड्डी का थोड़ा इफेक्टिव लगा। सो आप ट्राई करके देखिए, अच्छा है और 100% गारंटी के पहनती कि मेरे भी हेयर यानी कि मेरे जो हेयर गिर रहे थे अभी हेयर नहीं जाए। और आपको एक बात और बता दूँ कि आप जब भी अगर ऑयल ऑयल लगाते हैं तो ऑयल का अच्छे से वॉश कर दीजिए और मोस्टली इसके लगाने के बाद या इसके लगाने के पहले आप ऑयल यूज़ ना करें तो ये अच्छा है। और अगर आपके हेयर लॉस होते हैं तो हेयर लॉस मोस्टली कैसा डैंड्रफ के कारण भी होते हैं। सो पहले आप अपने स्किन को अच्छे से घास के अच्छे से साफ कीजिए और इसे यूज़ कीजिए। नेक्स्ट डे अगर आप इसको सेकेंड डे धो रहे हैं तो थोड़ा सा शैम्पू, हल्का सा शैम्पू कर लीजिए, हल्का दीजिए, ज़्यादा शैम्पू यूज़ मत कीजिए, शैम्पू से उसको निकाल दीजिए। और अगर आप इसको टू टाइम्स यूज़ करते हैं तो आप रिसेंट मैं आपको बताऊँ मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, टू टाइम्स अगर आप इसे यूज़ करेंगे जैसे मैं टॉप को टू टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो मॉर्निंग एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में सोने के पहले यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल भी यानी ऑयल का यूज़ ना करें एंड ये इफेक्टिव है। और आपको सेम है अगर फोर टू सिक्स वीक में आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको बेटर रिजल्ट अगर आपको खुद देखने तो अपने बाल जो है आप छोटे छोटे बाल कीजिए, एकदम छोटे बाल कीजिए, आपको आपके हेयर लॉस बाकायदा दिखाई देंगे कि यहाँ पर मेरा हेयर लॉस है। सो आप इसे यूज़ कीजिए, उसके बाद में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और दिखेगा भी आपको फ़ायदा मेंटॉप का। ये मेरी गारंटी है 100% आप इसे यूज़ करके। ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो हेयर पे है।